देखिए ये हमारा लेसन है वॉटर सीड, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो इट डिड नॉट रेन फॉर 3 ईयर्स इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटा सा विलेज था, लॉन्ग एगो मतलब बहुत साल पहले, वहां पे 3 ईयर्स तक, लगातार 3 साल तक वहां रेन यानी बारिश नहीं हुई। अब अगर किसी जगह बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, रेन नहीं होगी तो वहां पानी नहीं मिलेगा, वाटर की कमी हो जाएगी। द अर्थ वॉज पार्ज्ड, अर्थ जो थी वो सूख चुकी थी, ड्राई हो गई थी, उसमें कोई वाटर नहीं था। एंड ऑल द प्लांट्स ड्राइड अप, और सारे प्लांट्स भी सूख चुके थे। पीपल डिड नॉट हैव वॉटर टू ड्रिंक, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। दे वर वेरी वरिड, वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, वरिड मतलब परेशान थे। दे न्यू दे कुड नॉट लिव विदाउट वॉटर, क्योंकि वो जानते थे कि पानी के बिना वो नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट वॉटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते। वन डे, एक दिन, द विलेज चीफ यानी जो विलेज का हेड था, कॉल्ड द पीपल इन द विलेज फॉर अ मीटिंग, उसने गांव के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। वेन ऑल द पीपल हैड कम, जब सारे लोग आ गए, द चीफ आस्क्ड 4 यंग मेन टू कम फॉरवर्ड, तो इस चीफ ने, हेड जो था विलेज का, उसने 4 यंग मेन जवान आदमियों को बुलाया कि तुम आगे आओ। जितने भी लोग थे ना, उनमें से 4 लोगों को उसने कहा कि तुम आगे आओ। ओके, ये क्वेश्चन। द पीपल वर हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, लोग क्या थे, भूखे थे, प्यासे थे या टायर्ड थे? अब पानी नहीं था ना, तो वो थर्स्टी थे, वो प्यासे थे। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, अब इस हेडमैन ने कहा, आई वॉन्ट द 4 ऑफ यू टू गो इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन। तो वो कहता है कि जो तुम चारों हो ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाओ। अब हमारी, वट आर द 4 डिफरेंट डायरेक्शन, कौन कौन सी है अलग हमारी डायरेक्शन? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी 4 अलग अलग डायरेक्शन है। सन राइजेज इन द ईस्ट, पढ़ी है ना आपने, सूरज ईस्ट डायरेक्शन में से आता है, और कहां सेट होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। सो द 4 मेन डिड एज दे वर टोल्ड, तो चारों आदमियों ने वही का किया जो उनको कहा गया करने को। हेडमैन ने कहा ना तुम अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। बट सून द 3 ऑफ देम रिटर्न टू विलेज, लेकिन जो 3 थे वो जल्दी तो विलेज से में वापस आ गए, रिटर्न मतलब वापस आ गए। दे डिड नॉट फाइंड एनी वॉटर, उनको कोई भी पानी कहीं भी नहीं मिला। दे कुड नॉट गो फार, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, क्यों? बिकॉज दे वर वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। अब देखो ये रहा, वाई डिड द 3 मेन रिटर्न होम सून, 3 आदमी जो थे वो जल्दी वापस क्यों आ गए? वो ये रहा, बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड एनी वॉटर, ये रहा, दे कुड नॉट गो फार बिकॉज दे वर वेरी टायर्ड। ठीक है, क्या आंसर आएगा? वाई डिड द 3 मेन रिटर्न होम सून, द 3 मेन रिटर्न्ड, डिड है इसलिए ये पास्ट फॉर्म लिखवाओगे तुम, द 3 मेन रिटर्न्ड होम सून बिकॉज दे वर वेरी टायर्ड एंड दे डिड नॉट फाइंड एनी वॉटर, वो थक भी गए थे और उन्हें कोई पानी भी नहीं मिला, इसलिए वो घर वापस आ गए। द 4th मैन हु हैड नॉट रिटर्न्ड रीच्ड अ व्हाइट माउंटेन, अब जो लास्ट 4th आदमी था वो जो वापस नहीं आया था, वो कहां पहुंच गया? रीच्ड मतलब पहुंच गया, कहां पहुंच गया? एक व्हाइट माउंटेन पे वो पहुंच गया। एज ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन ही सॉ अ केव, जैसे ही वो माउंटेन में ऊपर चढ़ा तो उसने क्या देखा? केव, एक गुफा देखी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी इन द केव, केव में जो था कौन थी? एक ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी केव में। वेयर कैन आई फाइंड वॉटर आस्क्ड मैन, द मैन आस्क्ड हर, अब उस मैन से बूढ़ी, उस आदमी ने बूढ़ी औरत से पूछा, वेयर कैन आई फाइंड वॉटर, मुझे पानी कहां मिलेगा? द ओल्ड लेडी सेड, अब वो ओल्ड लेडी ने क्या कहा? गो हाइयर अप द माउंटेन, माउंटेन में आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सो द मैन केप्ट क्लाइंबिंग, और वो आदमी ऊपर
चढ़ता गया एंड सून रीच द टॉप, और एकदम से ऊपर वो पहुंच गया। द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ व्हाइट स्नो। अब जो टॉप था माउंटेन का वो किससे कवर था, स्नो से, बड़ी पूरी चादर बिछी हुई थी, लेयर थी पूरी स्नो की। और यहां आपके पीछे क्वेश्चन भी था, व्हाई वॉज माउंटेन व्हाइट, ठीक है ये रहा क्वेश्चन, व्हाई इज द माउंटेन व्हाइट। तो इसका आंसर यही है, माउंटेन इज व्हाइट बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद स्नो, इट वॉज कवर्ड विद स्नो। अच्छा, ही ब्रोक ऑफ अ पीस फ्रॉम द व्हाइट माउंटेन, व्हाइट माउंटेन यानी उसने स्नो का पीस तोड़ लिया, बर्फ होती है ना जो वहां पे, उसका पीस तोड़ दिया। ही रैप्ड इट केयरफुली, अच्छे से उसे लपेट लिया एंड पुट इट इन अ सैक, सैक होता है बोरा, और उसने उसे किस में डाल दिया, सैक में डाल दिया, ये रहा सैक। एंड देन ही रैन बैक टू हिज विलेज एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेज, एज फास्ट एज ही कुड मतलब जितनी तेज वो दौड़ सकता था उतनी तेज वो अपने विलेज की ओर दौड़ा। वेन ही गॉट देयर, जब वो वहां पहुंचा, एवरीवन रैन टू हिम टू सी व्हाट ही हैड गॉट, हर कोई पूरे विलेजर्स जो थे ना उसकी तरफ दौड़े ये देखने के लिए कि व्हाट ही हैड गॉट, कि वो क्या लाया है। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था क्योंकि बेचारा इतना ऊपर चढ़ा था, इतनी दूर गया था, लेकिन हैप्पी था, बट हैप्पी खुश था, क्यों, क्योंकि वो अपने साथ वॉटर लाया था। आई हैव सेड आई हैव बॉट बैक द वॉटर सीड, अब उसी को, उसी बर्फ के टुकड़े को उसने क्या कहा, वॉटर सीड, उसने कहा आई हैव ब्रॉट बैक द वॉटर सीड, मैं अपने साथ वॉटर सीड लाया हूं। द पीपल वर एक्साइटेड टू हियर दिस, लोग उसकी बात सुन के बहुत खुश हुए। एवरीवन वांटेड टू सी द वॉटर सीड, हर कोई वॉटर सीड देखना चाहता था। वेन ही ओपन्ड हिज सैक, जब उसने अपना ये बोरा खोला, देयर वॉज नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ नहीं था। द स्नो हैड मेल्टेड इन टू वॉटर, क्योंकि अब जब नीचे आ जाएगा वो प्लेन में तो वहां गर्मी बढ़ जाएगी, हीट होगी, तो उसकी वजह से वो जो स्नो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वॉटर में, मेल्ट हो गई वो। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ड्रिप्ड ऑन टू द ग्राउंड एंड डिसअपियर्ड इन द सॉइल, तो अब जो बोरा था उसमें पानी था ना, वो पानी टप टप करता है ना, तो वही ड्रिप्ड हो रहा था ग्राउंड पे, उस सैक में से वॉटर ग्राउंड में जा रहा था ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, और फिर वो सॉइल इतनी, मतलब जो सॉइल थी वो इतनी ड्राई थी, इतनी सूखी थी कि जो उसके अंदर पानी जा रहा था ना वो फटाफट उसको ले रही थी, और सॉइल ड्राई हो रही थी, डिसअपियर्ड हो रही थी, मतलब वो जो ड्रॉप है वॉटर की वो दिख नहीं रही थी, ठीक है। समवन इन द क्राउड शाउटेड, तो क्राउड में से कोई एक बहुत तेज चिल्लाया, द वॉटर सीड हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड, के वॉटर सीड जो है वो कहां पे गिर गया है, ग्राउंड पे, लेट अस गेट इट बैक, चलो इसे वापस ले। ऑल द विलेजर्स स्टार्टेड डिगिंग टू गेट बैक द वॉटर सीड, अब सब लोगों ने क्या किया, वो खोदना शुरू कर दिया मिट्टी को, कि हमें वो वॉटर सीड जो अंदर चली गई है मिट्टी के, जो पानी उसको हमें बाहर निकालना है। दे डग एंड डग डीपर, वो खोदते गए नीचे और खोदते गए। आफ्टर डिगिंग सम आवर्स, और कुछ घंटों को खोदने के बाद, दे फाउंड वॉटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, तो जो पानी है वो ग्राउंड में से बाहर आ रहा है। एक्चुअली उन्होंने इतना ज्यादा खोद दिया कि वो क्या बन गया, कुआं बन गया, वेल बन गया, वेल में नीचे पानी होता है ना, तो यहां अंडरग्राउंड वॉटर आ गया। एवरीवन शाउटेड विद जॉय, हर कोई बड़े जॉय से चिल्लाया, मतलब खुशी से चिल्लाया, द वॉटर सीड हैज गिवन अस वॉटर, तो कहते वो जो वॉटर सीड था उसने हमें पानी दे दिया। द वॉटर सीड हैज गिवन अस वॉटर, नाउ द विलेजर्स ऑलवेज हैज वॉटर, तो अब उन विलेजर्स के पास हमेशा पानी था, वो इस वेल से ही पानी लेते थे।